झारखंड पुलिस एसोसिएशन के रामगढ़ जिला चुनाव में अध्यक्ष पद पर पूर्व भूरकुंडा थाना प्रभारी एवं वर्तमान में रामगढ़ थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पुलिस लाइन रामगढ़ में रविवार को 12:30 बजे दिन तक नामांकन करने एवं 1 बजे दिन तक नाम वापसी का समय दिया गया था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में उपस्थित करीब 200 से 250 पुलिस पदाधिकारियों में से किसी ने नामांकन नहीं किया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हजारीबाग से आए चुनाव पर्यवेक्षक मनोज कुमार सिंह की निगरानी में संपन्न किया गया। अध्यक्ष पद के मनोनयन के साथ ही पुलिस एसोसिएशन झारखंड रामगढ़ के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों ने माला पहनाकर श्री सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष पद पर मनोनयन के बाद रघुनाथ सिंह ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करने के साथ ही वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास करूंगा। बताते चले कि पुलिस एसोसिएशन झारखंड के यह चुनाव 3 साल के लिए होता है। वहीं अध्यक्ष मनोनयन के बाद पूर्व के सचिव उमेश शर्मा ने अपना पुराने कार्यकाल का आय व्यय का हिसाब दिया, जिसे वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने ध्वनिमत से पास किया। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट है। कितने प्रत्याशी थे इसमें? आज जो है अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है रामगढ़ पुलिस एसोसिएशन शाखा में। अध्यक्ष का ये अभी हमको लगता है पिछले साल ही चुनाव हुआ था, अध्यक्ष यहाँ से स्थानांतरित हो गया है, इसलिए मध्यावधि चुनाव एक तरह से समझिए ये अध्यक्ष पद का। तो अध्यक्ष पद के लिए हम लोग जो नॉमिनेशन के लिए जो नामांकन का समय दिए थे, निर्धारित समय में केवल एक ही नामांकन पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ और निर्धारित तिथि के समय के बाद जो है कोई भी नामांकन हम लोग को नहीं मिला। एक ही उम्मीदवार का नामांकन प्राप्त हुआ और जो हम लोग को पता भी चला कि सदस्य लोग यहाँ निर्विरोध आम सहमति बनाकर निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव कर चुके हैं, उसी आलोक में रघुनाथ सिंह को यहाँ निर्वाचित घोषित किया गया, निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया आम सहमति के माध्यम। जीत की बधाई। धन्यवाद। जीतने के बाद आप जिस पद पर हैं उस पद पर रहते हुए पुलिस कर्मियों पुलिस पदाधिकारियों के लिए कौन सा मोटिव आप रखे हैं, क्या आपकी सोच है, क्या प्राथमिकता है? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी रामगढ़ जिला में जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं सबकी समस्याओं को सुनना, सुनने के बाद उनका उचित समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में बड़ी पदाधिकारी अमन से सहयोग लेकर उनकी समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।